हम डेली इरिगेशन करते थे और दिन में दो बार करते थे, लाइट सॉइल है, टेम्परेचर बढ़ता था, तो हमें पता चला कि इतने डीप तक इरिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आराम से एक फुट तक इरिगेशन करते हैं, मॉइस्चर लेवल टू जो देखते हैं नीचे वाला उसके हिसाब से इरिगेशन करते, तो हमारा काफ़ी समय और पानी बचा है इरिगेशन का, और खाद का पूरा पूरा उपयोग हुआ वो समय बचने से। हाँ, पाउडरी का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि मैंने ग्रेप का पाउडरी का मॉडल इसमें अप्लाई कर लिया था, तो पाउडरी आने के समय पहले इंडिकेशन उसने दिया कि 20% चांसेस हैं, फिर 40-60 बढ़ने लगा, जब 80 में आया तुरंत हमने एक पाउडरी के लिए प्रिवेंटिव ले लिया था, फिर चार दिन बाद पता चला कि 100% वो दिखा रहा था पाउडरी के चांसेस, और लगभग सभी के यहाँ से बात होती जैसी सब फार्मर के यहाँ लगभग पाउडरी आने लगा था, पर तब तक उससे एक वीक पहले हमने स्प्रे कर लिया था पाउडरी का, चूँकि पाउडरी अभी भी है क्रॉप में पर उस स्थिति में नहीं है जितना सबके यहाँ दिख रहा है। शुरू में तो वेदर ही देख रहे थे, पर जैसे क्रॉप बड़ी होती गई और सॉइल मॉइस्चर लेवल को समझने लगे, प्राइमरी मॉइस्चर लेवल, सेकेंडरी मॉइस्चर लेवल, तो उससे ये समझ में आया कि पानी हमारा थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जा रहा था, जिस वजह से न्यूट्रिएंट लीच हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे न्यूट्रिएंट के, तो सेकेंडरी वाटर, सेकेंडरी लेवल तक 1.5 फीट में लगा है वहाँ तक हमने पानी कुछ दिन पहुँचने नहीं दिया, तो फ़ायदा ये हुआ कि क्रॉप ने सारा खाद वहाँ से यूज़ किया क्योंकि ज़्यादा नीचे हम पानी नहीं दे रहे थे। फिर धीरे धीरे मॉइस्चर लेवल के साथ समझ में आया तो हम उस हिसाब से फिर फर्टिगेशन करने लगे, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्रॉप देख लीजिए पहले जब इंस्टॉल हुआ उसके बाद क्रॉप पे फ़र्क बहुत अच्छा है। दूसरा फ़ायदा ये मिला, अभी बीच में बारिश हुई सप्ताह भर पहले और सारी बारिश रात रात को हुई, तो तुरंत हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ लगभग 15-15 mm दोनों रात को बारिश हुई, पहली रात को 14 से 15 mm, दूसरी रात को फिर 16 से 17 mm, चूँकि लाइट सॉइल है हमें पता ही नहीं चलता यहाँ सुबह आके कि बारिश कितनी हुई, हम फर्टिगेशन करते वो वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता, ये लगा हुआ था तो तुरंत पता चल गया इतनी बारिश हुई, मॉइस्चर लेवल अभी सॉइल सेचूरेटेड है, मॉइस्चर लेवल भी बिल्कुल 4 और 5 दिखा रहा था, तो हमने 3 दिन पानी रोका फिर भी क्रॉप को कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये नहीं होता तो वो 3 दिन हम इरीगेट करते और हो सकता है हमारी क्रॉप को नुकसान कर लेते, तो इस डिवाइस से बहुत फ़ायदा है। मैं सलाह दूंगा कि सारे किसान ये लगाएं और टीप फसल को बहुत बहुत थैंक यू।